इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुमको मिलूंगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा तुम काम कर दो। क्या? कहां शैल जाने जब मेरे लिए आप मर सकते हो। काम कहूंगी जो भी अब मैं, क्या वो तुम कर सकते हो। काम कहूंगी जो भी अब मैं, क्या वो तुम कर सकते हो। यदि करोगे दुल्हन बन मैं तुमको मिल सकती हूँ। सत कहती हूँ अपने पण से, कभी नहीं टल सकती हूँ। सच कहती हूँ अपने प्रण से, कभी नहीं टल सकती। यदि करोगे तो दुल्हन बन मैं तुमको मिल सकती हूँ। सच कहती हूँ अपने प्रण से, कभी नहीं मैं टल सकती हूँ। मैं तुमको दुल्हन बन के मिलूंगी, दुल्हन के रूप में मैं तुमको मिलूंगी। लेकिन मेरी शर्त है, तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना है। क्या है काम? यदि करोगे तो दुल्हन बन मैं तुमको मिल सकती हूँ। ध्यान से सुनना कथा। अब तक तो ये लव स्टोरी थी, अब तक ये सांसारिक कथा थी। आप सोच रहे होंगे तो लव स्टोरी सुना रहे हैं, सांसारिक कथाएं सुना रहे हैं। अब सुनो आगे क्या होता है। सुनकर बैठ गया फिर बोला, प्राण कहोगे दे दूंगा। जो भी लक्ष्य करोगी निश्चित उसे अभी मैं भेदूंगा। जो भी कहोगी वो मैं करूंगा। प्राण कहोगे तो मैं प्राण देने को तैयार हूं। राजकुमारी बोली, सुनकर प्रसन्न हो गई और बोली। राजकुमारी बोली, तुमको काम यही बस करना है। मणिकर्णिका घाट बैठकर राम नाम जप करना है। मणिकर्णिका घाट बैठकर राम नाम जप करना है। काशी का बड़ा प्रसिद्ध घाट है गंगा का तट, मणिकर्णिका घाट, जो काशी का शमशान घाट है, जहां पूरी नगरी के मुर्दे जलते हैं। आसपास के लोग भी वहां पर लाशों को लाते हैं, क्योंकि वहां जिसका संस्कार हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, पापों का क्षय हो जाता है उसके। ये महिमा वहां के सब लोग जानते हैं, इसलिए सबके सब संस्कार उसी मणि का घाट पे होते हैं। तो राजकुमारी ने क्या कहा? राजकुमारी बोली, तुमको यही काम बस करना है, मणिकर्णिका घाट बैठकर राम नाम जप करना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का जाप करना है। भूख प्यास में खा पी लेना। तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, जितना सो सके सो जाना वहां। भूख लगे खा लेना, प्यास लगे पी लेना, शेष समय बचे बस श्री राम जय राम जय जय राम नाम जप चलता। भूख प्यास में खा पी लेना और नींद लगे सो जाना है। बाकी समय नाम जप करना उसमें ही खो जाना। बाकी समय नाम जप करना उस लड़के ने कहा, काम तो बड़ा आसान है लेकिन मेरा अभ्यास नहीं है जप करने का, मन इधर उधर भटक जाएगा, आपकी शर्त मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। कहा कि तरीका मैं बता देती हूं। क्या? सबसे सरल उपाय भजन का, नाम जपो लेकर माला। माला हाथ में पकड़ो, सबसे सरल। एक बार हाथ में माला गई, अपने आप ही राम राम होता जाएगा। तुम सब सुन लो, राजकुमारी उस लड़के को नहीं, मैं तुमको बता रहा हूं। जो कहते हैं भजन नहीं होता, अरे माला हाथ में पकड़ो, चलते फिरते उठते बैठते माला हाथ में रखो,
बात करनी हो कर लिया करो, मन का रोक लिया बात कर ली, जो ही मन का जो ही बात समाप्त हो फिर प्रारंभ कर दो हरे राम हरे कृष्ण, जो भी तुम लोग जपते हो, चलते फिरते उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करो, श्वास श्वास हरि नाम जप सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय है। सबसे सरल उपाय भजन का जप लो आठोया, जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम, जप के तू देख ले माला से नाम। सबसे सरल उपाय भजन का, सबसे सरल उपाय भजन का जप लो आठोया, जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम, जप के तू देख ले माला से नाम। मन के से तू करता जा नाम का जा, मन के से तू करता जा नाम का जा, पाप कर्म से बचता चल हरि आए मिलेंगे आ, पाप कर्म से बचता चल हरि आए मिलेंगे आ। जन्म मरण के कटे चौरासी मिल जाए विश्राम, जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम, जप के तू देख ले माला से नाम। समय कंगा, बिना भजन के हर प्राणी है अंत समय कंगा, राम नाम धन साथ चलेगा होंगे पूरण काम, जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से नाम, जप के तू देख ले माला से नाम। से जप करना और नियम कभी ना तोड़, माला से जप करना और नियम कभी ना तोड़, चूक न जाना राम नाम धन रोज रोज तू जोड़, चूक न जाना राम नाम धन रोज रोज तू जोड़, सच्चा सौदा कर ले रे प्राणी कोड़ी लगे न दाम, जप के तू जय हो जप के तू जय हो जप के तू देख
टिकता तू क्यों होता उदास, चंचल मन नहीं टिकता तू क्यों होता उदास। हरि नाम जी प्यासे जप लो पहुँचोगे प्रभु पास, हरि नाम जी प्यासे जपने पहुँचोगे हरि पास। करुण दास हरि नाम से कितने पहुँचे हरि के धाम, जप के तू सबसे सरल उपाय भजन का जप लो आठो याम, जप के तू जप के तू जप के तू देख ले माला से ना, जप के तू देख ले माला से ना। तुलसी की माला से जाप करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। एक गलत फहमी लोगों को और हो रही है बहुत ज्यादा, वो ये गुरु धारण कर लो बस हो गया उद्धार, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस गुरु जी आएंगे और ले जाएंगे परम धाम सचखंड वैकुंठ। इस गलत फहमी को भी दूर कर लो। अगर गुरु जी में इतनी पावर होती कि तुम्हारा उद्धार कर ले तो सारी दुनिया का अब तक उद्धार हो गया होता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गुरु दुनिया में आए हैं, एक से एक बढ़कर महापुरुष दुनिया में आए हैं, क्यों नहीं तुम्हारा अब तक उद्धार हुआ? गुरु नहीं उद्धार करेगा, गुरु ने जो तुमको दिया है ना उसको पकड़ो, उसको संभालो, उन्होंने जो शिक्षा और दीक्षा तुमको दी है वो तुम्हारा उद्धार करेगा। इसलिए कहा कि तुलसी की माला से जाप करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। फोन आया है कल विदेश से, इन्होंने सुना नहीं आश्रम में फोन गया गोवर्धन, हमारे वो कथा सुन रहे होंगे दिशा चैनल पे, महाराज जी क्या हमको भगवान से मिला देंगे? तो उनको मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं ही नहीं इस धोखे में नहीं रहना, कोई नहीं मिला सकता। युक्ति संत बताएंगे, अपनी कृपा से उत्साह वर्धन कर देंगे। अगर तुम योग्य हो गए तुमको बिल्कुल करीब ले जाएंगे, लेकिन आंखें तुम्हारी ही काम करेंगी, गुरु की नहीं करेंगी, यहां रखना। चलना तुमको पड़ेगा, गुरु उंगली पकड़ सकते हैं चलो मेरे साथ, लेकिन गुरु के साथ चलना पड़ेगा, गुरु की बात माननी पड़ेगी, गुरु का हाथ पकड़ना पड़ेगा, गुरु के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। गुरु के पीछे चलने का मतलब जो गुरु जी कह रहे हैं जो का त्यों मानते चले जाओ, तब तो उद्धार हो जाएगा। सोचो कि कोई ऐसा गुरु मिले ऐसे हाथ करे जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, धार्मिक सीरियलों में दिखाया जाता है, ऐसे हाथ किया इधर से किरणें सी निकली और हो गया साक्षात्कार, ऐसे भी होता है। दिन रात तुम पाप करो, झूठ कपट निंदा चुगली ईर्षा द्वेष फंसे रहो और सोचो कि बढ़िया सा गुरु मिले जो ऐसे करके भगवान से मिला दे, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं करना। इसलिए मुझसे कोई आशा न रखे, तुम्हारे कर्म तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारी भावना तुम्हारा उद्धार करेंगे। मेरे कर्म तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, मेरी भावना तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। मेरे कम मैं रोटी खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, तुम्हारा नहीं भर सकता। चाहे मैं तुमको गोद में उठा लूं, कितना भी लिपट लूं चिपट लूं, कितना भी प्यार कर लूं, अगर रोटी मैंने खाई पेट मेरा भरेगा तुम्हारा नहीं भरेगा। मेरा भजन मेरे लिए है, तुम्हारा भजन तुम्हारे लिए है। मेरा पाप मेरे लिए है, तुम्हारा पाप तुम्हारे लिए है। अपने पाप को मैं भोगूंगा और तुम अपने पाप को भोगोगे। पाप पुण्य में कोई साझेदारी नहीं कर सकता। न क्षियते कर्म कोटि भी क्षति रपि, जब तक कर्ता के द्वारा किया गया कर्म भोग न ले तब तक कर्म से छुटकारा नहीं होता। जिसने भोजन किया उसी का पेट भरेगा, जिसने भजन किया उसी का उद्धार होगा। इसलिए कहा कि तुलसी की माला से जाप करो रे, अपना सुधार स्वयं आप करो रे। मुख में अगर राम नाम माला हाथ में, तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में। मनके से मन का संताप हरो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो।
ब्रह्मा शिव नारद भी जपते सदा, राम नाम माला से रटते सदा, माला से जाप दिन रात करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। कब करे माला का, जब खाली बैठो तब करो, हाथों से जब कोई काम ना करो, माला जपो विश्राम ना करो, माला बिना नहीं बात करो रे, अपना उद्धार स्वयं। बातें भी करो, माला लेके करो बात, मन का रोक लिया बात कर लो, जो ही बात समाप्त हुई एक सेकंड भी तुम्हारा खराब ना जाए, तुरंत राम राम करने लग जाओ, माला तुमको फंसने नहीं देगी संसार में, रोके रखेगी, बहने नहीं देगी। माला अगर फेरने में शर्म करोगे, माला अगर फेरने में शर्म करोगे, अनाथ की तरह बेमौत मरोगे जब सामने यमदूत खड़े होंगे। इससे तो आगे भजन ही है साथी। बोलो मेरी मातो सजनों, दुनिया से जाना है या सदा यहीं रहना है, बोलो। पट्टा लिखवा के लाए हो अजर अमर का, जाना है तो फिर जाने की तैयारी कौन करेगा? तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में पैदा हुई है, बोलो तुम्हारे घर में सदा रहेगी कि एक दिन डोली में बैठ के चली जाएगी? जब उसको जाना ही है तो फिर तैयारी नहीं करनी उसकी विदाई की, तैयारी कोई और करेगा? जब बेटी को जाना है और तुम उसके जन्म से ही तैयारी में लग जाते हो, विदाई की इकट्ठा करने लग जाते हो, जोड़ने लग जाते हो दहेज, जब बेटी को विदा होना है, क्या तुमको स्वयं इस दुनिया से विदा नहीं होना है? क्या उसकी तैयारी नहीं करनी है? जीने के लिए भोजन और जाने के लिए भजन हमारा साथी है। भोजन के बिना जी नहीं सकते और भजन के बिना भगवान के घर नहीं जा सकते। जीना भी है जाना भी है, दोनों के लिए कमाना भी है, इसलिए भजन। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अरे मनिए दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अर्थी बोली, ओ मुर्दा बोला, मुझको कंधों पर दिए लिए जात शमशान, एक दिन तुम भी जाओगे क्यों भूला नादान। रोने वाले सुन जरा, मुर्दा कहे पुकार, आज हमारी बार है और काल तुम्हारी बार। मुर्दा कहे पुकार के मत रो मेरे मीत, एक एक सब जाएंगे यही जगत की रीत। मुझको जलता देखकर क्यों भागत हो दूर, जब आग लगती है चिता में सब पीछे पीछे हट जाते हैं, क्यों डर लगता है चिता में जलने से? मुर्दा कहता है जलता वा, मुझको जलता छोड़कर क्यों भागत हो दूर, एक दिन तुम भी होगे जलने पर मजबूर। फिर जब संस्कार हो जाता अपने घरों की तरफ लोग चल देते हैं, वो मुर्दा कहता है मुझको जलता छोड़कर कहां जाते हो भाग, एक दिन वापिस आओगे और यहीं लगेगी आग। इसलिए तैयारी कर लो। एक राही घर से निकला, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ था जंगल उसकी दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते पांव हड्डी पे आया, हड्डी के ये बयान थे, ओ राही तू संभल के चलना, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। इससे तो आगे भजन ही है साथी। खूब कमाया जग में तुमने, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन दुनिया वालों सुन लो, कफन में जेब नहीं होती। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के जिसे ना मुरझाना पड़ा, रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा। तो क्यों तुम शर्माते हो भजन करने के लिए? कहा कि माला अगर फेरने में शर्म करोगे, अनाथ की तरह बेमौत मरोगे, आत्मा का आप ही क्यों घात करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो। करुण पुकारे अंधेर ना करो, बेला मिलन की है देर ना करो, अपने प्रभु से मुलाकात करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। राम नाम जाप कर भूल के ना पाप कर, पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप, हरी नाम के सहारे कितने हुए किनारे, वो जीत गए बाजी
जो जिंदगी से हारे तेरा उद्धार होगा, तू भी तो पार होगा, बस राम नाम जाप कर भूल के ना पाप करो। कई जन्म यो ही खोए इस बार जप के देखो, कई जन्म यो ही खोए इस बार जप के देखो, हर बार पाप बोए इस बार बच के देखो। कहे करुण दास सांची अब आजमा के देखो, कितनों ने आजमाया अब तू भी आजमा ले, बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। तो राजकुमारी ने संतों का संग किया था। गुरु अर्जुन देव जी लिखते हैं सुखमनी साहब में, ऐसा नाम जपो मन रंगी और नानक पाइए साध की संगी। संतों का संग किया था, साधुओं का संग किया था बचपन से, और रंग चढ़ चुका था प्रभु के नाम का उसको विश्वास, और थोड़ा सा जब डगमगाने लगी भगवान ने सहारा दिया, भीतर से उसको मजबूत किया कि शैलजा तू घबरा मत, राम नाम की भजन की वेदी पे तू अपने आप को दाव लगा दे, स्वाहा कर दे, चिंता मत कर, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। और उसी बल पर इसने अपने आप को दाव लगा दिया, विश्वास था भजन का। सबसे सरल उपाय भजन का, नाम जपो लेकर माला, 40 दिन के बाद मिलूंगी ले हाथों में वरमाला। राजकुमारी ने कहा, जब पूछा कितने दिन तक नाम जप करूं, तो राजकुमारी ने कहा ज्यादा दिन तक नहीं, केवल 40 दिन तक तुम मेरी बात मानो। अगर 40 दिन तुमने लगातार श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, अगर इस विजय मंत्र का तुमने जाप किया 40 दिन तक, तो 40वें दिन सूर्य अस्त होने से पहले पहले अगर तुम्हारी ये माला नहीं छूटी, तो मैं वर माला लेकर आऊंगी और तुम्हारे गले में धारण करा दूंगी। उठो अभी लो पकड़ो माला, गंगा तट पे जाओ तुम, राम नाम जप करके निश दिन मन में राम बसाओ, राम नाम जप करके निश दिन मन में राम बसाओ। माला दे दी, मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, श्री राम जय राम, चेला बना लिया कि तुम जाओ मणिकर्णिका घाट पर 40 दिन तक भजन करो, भूख लगे खाने की व्यवस्था मेरी तरफ से होगी, प्यास लगे पीने की व्यवस्था मेरी तरफ से होगी, नींद लगे बिस्तर की व्यवस्था मेरी तरफ से, सो जाना, और शेष जो समय बचे बस श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जब भी आंख खुले, आंख खुलते ही श्री राम जय राम। जब 40 दिन हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी, दुल्हन के जोड़े में हाथों में वर माला लिए तुम्हारे गले में अर्पण करने के लिए मैं आ जाऊंगी। उठो अभी लो पकड़ो माला, गंगा तट पे जाओ तुम, राम नाम जप करके निश दिन मन में राम बसाओ, राम नाम जप करके निश दिन मन में राम बसाओ। ले माला पहुंचा गंगा तट, राम नाम जप करन लगा, जपते जपते बीच बीच में ध्यान राम का धरन लगा, जपते जपते बीच बीच में ध्यान राम का धरन लगा। ले माला पहुंचा गंगा तट, राम नाम जप करने लगा, जपते जपते बीच बीच में ध्यान राम का धरन लगा। लगा बीतने एक एक दिन, कब हो पूरे 40 दिन, लगा बीतने एक एक दिन, कब हो पूरे 40 दिन, कब आएगी राजकुमारी व्याकुल होता उनके बिन। भगवान के लिए भजन नहीं कर रहा था, संसार के लिए कामना थी, कैसे भी करो बस भजन, भजन अपना काम करेगा। अग्नि को कैसे भी छुओ, प्रेम से दुश्मनी से जाने अनजाने, वो तो अपना काम करेगी जलाएगी,
प्रभु के नाम को कैसी भी जपो, नाम अपना काम करेगा। मन लगे तो अच्छी बात है, लकड़ी को पूरा अग्नि में डाल दो जल्दी जल जाएगी, अगर एक सीरा डालोगे थोड़ा सा डालोगे तो जलते जलते जलेगी तो पूरी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर तन मन से अर्पण कर दो भगवान के भजन में अपने आप को, जल्दी काम बन जाएगा। अगर मन नहीं लगता कोई बात नहीं, जीव से भी कर रहे हो, अगर एक सीरा भी कागज का अग्नि में पहुंच गया बाकी सारा धीरे धीरे जल जाएगा। इसलिए कहा है कि जब ही नाम हृदय धरो समझो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी चिनगारी आग की पड़ी पुराने घास। सूखे घास में चिनगारी पड़ गई, देर सबेर पूरी घास को भस्मीभूत कर देगी सूखे को। बस ये नाम जप, अगर तन मन से वचन से अर्पण कर दो भजन में अपने आप को, जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो कोई बात नहीं, इसकी तरह बिना मन की। अब ये मन कहाँ है राजकुमारी में, चाहत किसकी है? राजकुमारी की, और भजन भगवान का। लगा बीतने एक एक दिन, कब हो पूरे 40 दिन, कब आएगी राजकुमारी, व्याकुल होता उनके बिन। 5-7 दिन बीत गए, उब गया जपते जपते, ये स्थिति हर साधक की होती है। 5-7 दिन बीत गए जब उब गया जपते जपते, फिर भी नियम ना तोड़ा चाहे, थका नाम रटते रटते, नियम नहीं तोड़ा, करता रहा श्री राम जय राम लगा रहा। एक एक दिन काट रहा था मिलने की इंतजार में, जपता रहा रात दिन माला राजकुमारी के प्यार में। मणिकर्णिका घाट वहां पर सदा चिताएं जलती हैं, जलती लाशें धीरे धीरे मन वैराग से भरती हैं। दिन रात जो गए होंगे काशी जी मणिकर्णिका घाट, चाहे रात के 2 बजे चले जाओ, तभी वहां कोई ना कोई संस्कार होता रहता है। सतयुग में जब भगवान प्रकट हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पर शमशान में, उस समय जो चिता जल रही थी वो आग आज तक नहीं बुझी। कितने लाख साल बीत गए इस बात को, एक चिता की आग बुझे उससे पहले दूसरी चिता लग जाती है, कोई और मुर्दा आ जाता है, उसी चिता से अग्नि उस चिता में प्रवेश कर जाती है। बाहर से आग नहीं लेते, अलग से आग नहीं जलाते, पहली वाली चिता की आग उठा के नई चिता में रखते हैं, ऐसी वहां का संस्कार। क्योंकि उस धरती को वरदान है, उस अग्नि को वरदान है, इस अग्नि से जिसका भी संस्कार होगा उसी का उद्धार होगा, इसलिए वो आग आज तक बुझी थी। वहां अग्नि का दान मांगा जाता है, इसलिए राजकुमारी ने शमशान घाट वही मणिकर्णिका घाट बताया था। मणिकर्णिका घाट वहां पर सदा चिताएं जलती हैं, जलती लाशें धीरे धीरे मन वैराग से भरती हैं। कुछ दिन पीछे धीरे धीरे नशा भक्ति का चढ़न लगा, राम नाम रस पीते पीते आनंद मन में बढ़न लगा। 36 दिन जब बीत गए तो ध्यान राम का होने लगा, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। 36 दिन जब बीत गए तो ध्यान राम का होने लगा, सुध बुध भूल गया दुनिया की मस्ती में अब खोने लगा। भंग धतूरा सुरा पान उतर जाए प्रभात, रात को पी सुबह नशा उतर गया, कहा कि भंग धतूरा सूरा पान उतर जाए प्रभात, लेकिन नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम की मस्ती आ गई है। 36 दिन जब बीत गए तो ध्यान राम का होने लगा, शुद्ध बुद्ध भूल गया दुनिया की मस्ती में अब खोने लगा। इधर क्या हुआ, एक नई मुसीबत। क्या? राजकुमारी के मिलने का शोर मचा जब जन जन में, कानो कान खबर जा पहुंची राजमहल के आंगन, कानो कान खबर जा पहुंची राजमहल के आंगन। राजा ने जब खबर सुनी तो आग लगी तब तन मन में, तलवार गया अंतःपुर शोर मच गया महलन में।